जय माता की। दोस्तों कैसे हो आप सब, तो हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माला से मंत्र जाप कैसे करते हैं और इसको करने के आपको क्या क्या फ़ायदे प्राप्त होते हैं क्या नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ। बताने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको पता चलेगा कि मंत्र को जाप जब करते हैं माला से तो कैसे करते हैं और इसको करने से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो जो मैं तरीका बताऊँगी सबसे बेस्ट तरीका है और इसी तरीके से अगर आप करते हैं जाप तो आपको इसका फल बहुत जल्दी प्राप्त होएगा, जैसे कि मुझे हुआ है। तो दोस्तों मैं बताऊँ आपको, माला से मंत्र का जाप करें और ज़्यादातर तो रुद्राक्ष की माला से ही करें, ठीक है दोस्तों। रुद्राक्ष की माला ले लो, शॉप पे कहीं भी आपको मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाती है दोस्तों। ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिनल ही रुद्राक्ष होने चाहिए, जैसे भी हो अपना काम चलाने के लिए तो सही होती है। तो दोस्तों मैंने तो ऑनलाइन मंगाई थी, मैंने जहाँ से मंगाई थी मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको मंगा सकते हो, परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों आपको जाप कैसे करना है, जैसे कि आप देखो हमारे पांच फिंगर होते हैं, ठीक है। अब पांच फिंगर में से हमारे जो अंगूठे के बराबर वाला फिंगर है, इस फिंगर को आपको माला से टच नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये जो फिंगर होती है ये हमारे गुरु की होती है। तो इस फिंगर को हमें माला में बिल्कुल भी टच नहीं करना है, सिर्फ हमें चार उंगली का इस्तेमाल करना है, एक तो अंगूठा है और तीन उंगली है, ठीक है। इन चारों का इस्तेमाल करके हमें मंत्र जाप करना है। अब माला को कैसे पकड़ोगे, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो सामने, सेम इसी तरीके से ही आपको पकड़ना है और यूं यूं करके एक एक मोती करके एक एक बार मंत्र बोलेंगे, मंत्र बोलते जाएंगे और मोती को साइड करते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको करना है। एंड जब आप माला के ऊपर जो एक मोती होता है, आप कोई सी भी माला खरीद लो उसमें 109 मोती आपको दिखाई देंगे, तो जो सबसे ऊपर वाला मोती होता है वो मोती हमारे गुरु का होता है, तो उस मोती को हम जाप नहीं करेंगे, ठीक है। हमें 108 बार ही करना है, उस मोती को हम गिनती में नहीं लेंगे। एंड उसके बाद आपको एक एक करके ऐसे करके जाप करना है। और इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि जो फिंगर मैंने बताई है अंगूठे के बराबर वाली, ये फिंगर इस माला में टच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये टच हो गई तो आपका नुकसान है इसमें, क्योंकि ये टच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बस आपको चार फिंगर का इस्तेमाल करना है, ये अंगूठे वाली फिंगर को छोड़ के जो अंगूठे के बगल में होती है, ठीक है दोस्तों। और जाप आपको सीधे हाथ से करना है। और अगर भाई दीवे आपके पास माला भी नहीं है तो मैं करमाला का जाप करना बताऊंगी, करमाला से भी आप जाप कर सकते हैं, यानी कि अपने हाथ से भी आप गिनती करके मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी आप सभी के लिए, करमाला का जाप कैसे करते हैं और उसको भी करने से क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इस मंत्र को आप जाप करोगे, चाहे कोई भी मंत्र हो, माता काली का हो, बजरंग बली जी का हो, भोले बाबा का हो, लक्ष्मी मैया का हो, किसी का भी हो, तो मंत्र को इसी तरीके से ही जाप किया जाता है। आप लोगों को जैसा मैंने बताया है उस तरीके से करिए। एंड पहल पहल में आप सभी को कठिन लगेगा, जब आप करते जाएंगे तो आपको आसान लगेगा और अच्छा भी फील होएगा। पहल पहल में आप सभी को थोड़ा बुरा फील होएगा, बाकी उसके बाद आप करते रहोगे तो आपको एक आदत पड़ जाएगी, और जिस आप मंत्र का जाप करोगे उसकी शक्ति जब आपको मिलेगी तो वो आपके मन को शांत करेगी और दिमाग को भी शांत रखेगी, और आपका मन करेगा कि मैं बैठ के जाप करूँ। तो दोस्तों पहल पहल का बस कठिन है थोड़ा सा, अगर आप स्टार्टिंग करोगे। एंड अगर आप पहले से ही करते हो तो बेटर है आप सभी के लिए। एंड मैं तो पहले से ही करती हूँ तो मुझे तो कुछ कठिन नहीं लगता, मेरा तो बल्कि और मन करता है कि मैं जाप करती रहूँ। तो मैं हर दिन अपने मंत्रों का जाप करती रहती हूँ। तो दोस्तों आप सब भी इसी तरीके से करिए जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया है। और माला को अगर आप सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के लिए मैं आपको वीडियो बता दूँगी, कि जब आप माला मंगाओगे तो वीडियो
देख लेना, मैं कल ही वीडियो डाल दूंगी कि माला को सिद्ध कैसे किया जाता है। एंड अगर आप सिद्ध भी नहीं कर सकते तो ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, आप माला लाओगे सोप से कहीं से भी तो उसको बस स्नान करा दीजिएगा गंगा जल से और दूध से, ठीक है। स्नान कराने के बाद आपके घर के मंदिर में जो भी मूर्ति है या फिर फोटो है किसी की भी, तो उसके ऊपर उस माला को डाल दीजिए। जब आप जाप करोगे, चाहे शाम को करो चाहे सुबह करो, तब उसको वहाँ से उतार के फिर जाप करने लग जाओ, फिर उसको वहीं पे ही रखना है। और एक बात याद रखना कि माला ज़मीन पे नहीं गिरनी चाहिए, अगर ज़मीन पे गिर जाएगी आपकी माला तो खंडित हो जाएगी, उसमें कोई भी शक्ति प्राप्त आपको नहीं होगी। तो माला बस बिल्कुल भी ज़मीन पर नहीं गिरनी चाहिए, इस बात का सदैव ही ध्यान रखना। और माला से जाप करने का तरीका मैंने आप सभी को बता दिया है, इसी तरीके से अगर आप जाप करते हो तो इसका फल आप खुद देखना। इसको फ़ायदा करने से ये होता है कि आपको शक्तियाँ प्राप्त होती है, आप जिस भी मंत्र का जाप करेंगे उसकी शक्ति आपके शरीर में खिंची चली आती है। मंत्र के जाप करने से होता है कि आह्वान करना, मंत्र आप बोलोगे तो चाहे वो माता काली का हो चाहे किसी का भी हो, तो वो अपनी शक्ति और वो खुद आपके पास आएगा और आपके शरीर में अपनी शक्ति का डालने की जगह बनाएगा, तो वो शक्ति आपको प्राप्त होती है इससे। और यूँ मत सोचना कि इससे कुछ नहीं होता, इससे बहुत कुछ होता है दोस्तों। मेरे को तो 2-2.5 साल हो गया करते करते जाप, तो मुझे तो अच्छा फील होता है। बाकी आप लोग स्टार्टिंग करोगे तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, फिर बाद में आपको अच्छा लगने लग जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से करिए। माला को बिल्कुल गिरने नहीं देना है, और माला को जब करने के बाद उसको अपने मंदिर में ही रखना है आपको, और कहीं जगह नहीं रखना। तो चलिए दोस्तों, जय माता की। आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता काली हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।